हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पाठशाला। कई दिनों से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे सीयूईटी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड और कौन से कॉलेजेस, कौन से कोर्सेज बेस्ट होंगे ये सब से रिलेटेड। तो आइए आज हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आए हैं। आप अपने गेस्ट से मिलना चाहेंगे? चलिए आइए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। लेट्स वेलकम नीर सर। थैंक यू सो मच निकिता, मैं बहुत खुश हूँ इस सडन एंड सरप्राइजिंग इंटरव्यू के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं ये भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो, सडन और सरप्राइजिंग हो, मुझे भी आंसर देने में मजा आए। So, definitely sir, बहुत खुश हूँ मैं। Definitely and we are very much happy to have you here sir. So बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे सीयूईटी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चंस मतलब उनके कॉमन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है उनका कि सीयूईटी है क्या। एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस एज इट इज उसी तरीके से जाना चाहिए जैसे बच्चों के बहुत ही सिंपली आंसर आए हैं। जी जी, क्योंकि उन्हें आसानी से समझ में आएगा तो ज्यादा बेहतर वो आगे इसको समझ पाएंगे इसके रिलेटेड एलिमेंट्स को। सीयूईटी जानने से पहले ये जानते हैं कि आज के 3 साल पहले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए वो प्लेटफॉर्म क्या बनाया गया था। जी। तो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आपको बीएचयू, आपको जेएनयू, डीयू, जेएमआई किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप वहां का पर्टिकुलर कोर्स चूज करो, उसके लिए आप सिलेबस देखो, प्रिपरेशन करो, वहां का जब फॉर्म आता है तब फॉर्म डालो और उसके बाद आप एग्जाम क्रैक करके वहां की काउंसलिंग में लंबी कतार में खड़े होकर अपना एडमिशन कराने का उम्मीद रखो। Okay. तो अभी सीयूईटी आने का मतलब क्या है, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म लाइक कि अब एक ही गेटवे होगा, एक ही सिलेबस होगा, एक ही प्रिपरेशन होगा और एक ही एग्जाम के थ्रू आप काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, आप पार्टिसिपेट करो और आप देश के लगभग 40 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के साथ आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है बेसिकली, आप इसे कह सकते हो। ओके सर, जैसे आपने अभी बताया कि इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है तो इसमें यूनिवर्सिटीज तो ऑल ओवर इंडिया से होंगे, ऑलमोस्ट टॉप 40 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी उनके लिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आज के 4 साल पहले मेरे से कोई पूछता तो शायद मैं 4-5 यूनिवर्सिटी के नाम ही बता पाता, लेकिन थैंक गॉड कि आज 40 प्लस यूनिवर्सिटी मैं जानता हूँ, लगभग हर एक स्टेट में यूनिवर्सिटीज हमारे गवर्नमेंट ने दिया है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज की जब बात आती है तो हम लोग को उसको कई स्केल पे मेजर करना चाहिए। सबसे पहला स्केल तो हम लोग जो ऑफिशियली मेजर करते हैं वो NIRF की रैंकिंग है। okay. यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि हाँ हर साल जो लिस्ट आ रही है इसमें टॉप में कौन आ रहा है। तो अब ऐसे में आप देखोगे कि DU अपना पोजीशन बना के रखता है, JNU अपना पोजीशन बना के रखता है, BHU भी ऑलमोस्ट 5 सालों से दो तीन साल ऐसा रहा है कि वो टॉप 3 पे ही पहुंच गया, 5th पे 6th पे अपना पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो टॉप यूनिवर्सिटी ऑफिशियली NIRF के रैंकिंग के तौर पर देखा जाए तो आपका DU है, JNU है, BHU है, JMI है, जो कि ये मेरा तो बहुत ही ज्यादा एक इधर बीच मेरा एक मन आया हुआ है कि ये JMI बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्योंकि वहां का जो स्टडी माहौल है, जो वहां के न्यू रूल्स इंप्लीमेंटेशन है, जैसे अभी उन्होंने अपने IMS के लिए इवन सेपरेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए, साथ ही में उन्होंने फ्री UPSC के लिए, तो ये तमाम चीजें जो है वो JMI को स्पेशल बनाती है। उसी तरीके से टॉप यूनिवर्सिटीज अगर मैं बस 5 का नाम लूं तो DU है, JNU है, BHU है, JMI है और इलाहाबाद है मेरी नजर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जैसे आपने बताया कि पहले सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम होते थे, अब उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम आ चुका है तो उसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती होगी। हाँ, ऑफ कोर्स है। अब इसको आप देखो कि आपके पास नीट 12वीं के बाद है, जेईई मेन यानी एडवांस या मेंस, मतलब IIT में जाना है, NIT में जाना है तो आप JEE मेंस का एग्जाम दे रहे हो, एडवांस में बैठ रहे हो, तो ये सब एग्जाम कब होते हैं, जस्ट 12वीं के बाद होते हैं। सेम है अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर को छोड़ के सोचते हो, आप रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज में आना चाहते हो तो इसके लिए सीयूईटी है। तो बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो गई, 12वीं क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपका बोर्ड एग्जाम उधर चल रहा हो और इधर आप सीयूटी का फॉर्म आ गया तो फॉर्म भर दो, मतलब अपीयरिंग और पास आउट बच्चों के लिए आपका सीयूटी है। ओके, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सर सीयूटी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं यूपीएससी पे। सर, यूपीएससी बहुत ही टफ एग्जाम है, टॉप 10 एग्जाम्स में से आता है, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज होती होंगी वो भी कई सारी होंगी या लिमिटेड होगी,
तो उसमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है यूपीएससी के लिए? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाता सबसे पहले, उसकी एलिजिबिलिटी है आप ग्रेजुएट रहो, कोई भी अथोराइज इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका कहीं भी कोई फर्जी वाला डॉक्यूमेंट ना हो, मतलब आप साफ सुथरा अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट किए हो, तो आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फिर भी आप यूपीएससी के लिए क्या प्रिफर करते हो, किस यूनिवर्सिटी को प्रिफर करते हो? बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा अगर मैं इसको बहुत डिटेलिंग करूंगा, थोड़ा साफ सुथरा कम शब्दों में बताना चाहूं। आप ये देखो कि यूपीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो यूजी है, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट मांग रहे हैं, तो आप यूजी सिंपली किस कोर्स में कर सकते हो? जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रिफर करते हैं कि बीए अच्छा सिलेबस है, क्योंकि बीए जो सेमेस्टर्स उसके सिलेबस बनाए गए हैं एनुअल या सेमेस्टर्स के बीए वाले, वो वहां के जीएस पेपर के लिए काफी ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं। जैसे वहां ज्योग्राफी की राइटिंग करनी है, वहां पॉलिटिकल के लिए लिखना है, हिस्ट्री के लिए राइटिंग करनी है, लैंग्वेज के लिए लिखना है, ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम सिलेबस है वो किससे सिमिलर है? बीए से सिमिलर है। दैट्स व्हाई कि लोग मैक्सिमम प्रिफर करते हैं कि बीए उन्हें कर लेना चाहिए। अब जब बीए कर लेना चाहिए तो यूनिवर्सिटीज में फिर देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा बीए कराती है। तो आपने मुझसे पूछा कि यूपीएससी के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, तो इसमें आप कोर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की चॉइसेस रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं वार्न करना चाहूंगा कि अब ऐसा नहीं है कि बस बीए के लोग ही हमेशा यूपीएससी में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप उसके लिए अपनी चॉइसेस रख सकते हो। लाइक आप इंजीनियरिंग लोग करके भी आ रहे हैं, मेडिकल करके भी आ रहे हैं, तो वहां पे कॉपी राइटिंग का एक हेल्दी मैनर आपको पता होना चाहिए। आप यूजी जिस भी कोर्स में कर रहे हो उसके साथ कुछ जो यूपीएससी की बेसिक्स नॉलेज है, जो बेसिक्स बुक है, जो उसकी राइटिंग है, आप उस पे कितना अपना नॉलेज गेन कर पा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी के लिए खुद को काबिल बना रहे हो कि नहीं। तो फिर भी एज एक्सपीरियंस पर्सन, 3-4 साल का जो अनुभव है, इन सभी बातों में ना उलझा के मैं अगर साफ सुथरा ये बोलूं कि नहीं सर आप ये सब छोड़ो, आप साफ साफ ये बताओ कि मुझे यूपीएससी करना है तो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा भाई मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़े पढ़ाकू नहीं है, नॉर्मल है, जो पढ़ाकू है वो भी अपने को मिडिल में देखे आ, तो वो लोग बीएचयू हो गया, साथ ही साथ इलाहाबाद हो गया, इन दो यूनिवर्सिटीज के लिए वो बेसिकली प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी है और यहाँ का एजुकेशन भी आपके माइंड पे उतना प्रेशर नहीं डालेगा पॉलिटिकली सोशली कि आप अपने यूपीएससी के सिलेबस को ना देख सको। ये दोनों यूनिवर्सिटीज आपके लिए वो इन्वायरमेंट देते हैं कि आप आराम से देख सकते हो। हाँ, लेकिन एक एड ऑन करना चाहूंगा, थोड़ा लंबा ले रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा, टॉपिक ही ऐसा है मैम जी। तो अब डीयू की जब बात आती है तो डीयू इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि डीयू में जब आप जाते हो तो वहां पे आपके लिए कोचिंग अवेलेबल है जी, वहां पे वो कोर आप माइंड्स अवेलेबल है जो कि एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट खुद को देखते हैं। वहां पे बहुत सारा भीड़ है जो कि बस यूपीएससी के सपने देख रहा है, मुखर्जी नगर है और ये सब जो प्लेसेस जो मैंने भी वीडियोज में देखे हैं और न्यूज में सुने हुए हैं, तो भाई वहां से तो यूपीएससी निकल ही रहा है भर भर के, तो ये भी एक कारण है कि लोग दिल्ली में रह के किसी यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई करो और साथ में आप कोचिंग ज्वाइन कर लो तो बेस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप यूजी लेवल पे ना नॉलेज से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो, इट मीन्स आप कॉलेज लाइफ को पूरे पढ़ाई में और पूरे खुद को बनाने में लगा देना चाहिए। आफ्टर यूजी आप आराम से दिल्ली जाओ और तैयारी करके आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो। वेल सर, आपने जो ये बताया कि जिन जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से है उनको यूपीएससी कहाँ से करनी चाहिए, तो सर जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो और भी तो कोर्सेज करते होंगे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन सी होगी इकोनॉमिकली? इकोनॉमिकली, वेल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे वो आंसर निकलवाना चाहते हो जो मेरे कहीं ना कहीं अंदर फंसा हुआ था। मैं चाहता था कि मैं ये सब चीजें लोगों तक पहुंचाऊं। डेफिनेटली सर, देखो भाई हम सब एक ही जैसे हैं, मैं और आप, मुझे आप कैमरे को देख के इतना बहुत बड़ा मत सोचना, मैं पैसे से भी आकर हूं, हम सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को समझते हैं कि पैसे का जो दर्द है वो क्या है जी। और अच्छी बात ये है मैम कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं खासकर बीएचयू में, इतने सालों से मेरा एक्सपीरियंस है,
तो एडमिशन के बाद छोटे छोटे बच्चे जो जस्ट 18 इयर्स 19 इयर्स के हैं जी सर, जब मैं उस समय उस एज में था तो मैं सोचता भी नहीं था कुछ, लेकिन वो मेरे से पूछते हैं कि सर प्लीज कुछ बताओ मनी अर्निंग के लिए, तो मैं वो चीज महसूस कर पाता हूँ कि कितना एक्साइटमेंट है पैसे कमाने का, अपने घर को बैलेंस करने का, एटलीस्ट खुद को बैलेंस करने का कि अर्न वाइल लर्न, पढ़ाई के साथ थोड़ा कमाई हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे, ये चीजें इमोशनली मुझे बहुत हिट करती हैं कि बच्चे ऐसा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नहीं उसको मजबूत बनाना है, अपनी फैमिली को मजबूत बनाना है। मजबूत इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ दे के, इसलिए कि उनसे बिना लिए खुद को पढ़ाई में लगा दो, अपना रेंट भर दो, अपना खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था कर लो। डेफिनेटली सर। तो अब आंसर है जो कि इकोनॉमिकली फेवरेबल यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ये जानने से पहले ये जानो कि कहाँ नहीं जाना चाहिए, जो बच गया वहां चले जाना ठीक है। तो अब डीयू मत जाना क्योंकि वहां पे 8-9 हजार तो रहने का ही मिल जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटीज का जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। और मैं बता दूं कि कुछ ऐसे एरिया है बहुत ही ज्यादा भाई एक्सपेंसिव है, वहां पे आपको 11-12 हजार रुपए लगाएंगे रहने के लिए, रूम ढूंढने के लिए बस। okay. उसके बाद आपका खाने पीने का, आप बहुत कम खाते पीते हो तो भी आप पर डे 100 खाओगे तो 3000 ये हो गया, ठीक है 3000 ये। तो ओवरऑल आप इतना तो समझ ही गए ना कि वहां पे रहने का मतलब कि 15000 आप लगा दोगे, महीने का 15000 लगा दोगे, ये आपकी फीस से अलग है जी, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप समझ जाओगे, आप वहां जाते हो तो 15000 लगाओगे, किसी भी कीमत पे लगाओगे। हाँ, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर एडमिशन ले पाते हो तो सुनने में आता है कि वहां आज स्कॉलरशिप कुछ आपको हेल्प हो जाता है, वहां का हॉस्टल बहुत कम पैसा लेता है, जैसे कि JNU अपने आप में हमेशा काउंटिंग होता है कि उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे बहुत कम पैसे में आपका काम बन जाएगा। तो वो एक तरह से एक्सेप्शन के तौर पे, अगर आप भाई सेलेक्ट हो रहे हो टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको हॉस्टल भी मिल रहा है, तो एक बार पूरा आप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काउंट कर लेना कि मेरा कितना पैसा खर्च होगा तब आप जाना। अदरवाइज बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए कम पैसे के लिए मैं देखूं तो BHU और इलाहाबाद बहुत अच्छा है। BHU तो बहुत अच्छा है, आप बिलीव ही नहीं करोगे, मैंने पूरा UG अपना 6000 में कंप्लीट कर लिया। यहाँ की फीस मैं 6000 रुपए में, अगर मैं यूपी का हूँ, मैं यही का हूँ, बनारस का हूँ, अब मैं योगी जी का स्कॉलरशिप अगर लिया होता, मैंने लिया नहीं, अगर लिया होता आई एम श्योर की उल्टा मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाते, फ्री में पढ़ लेता मैं। ओके तो BHU बेस्ट है पैसा बचाने के लिए, कम पैसे पढ़ाई करने के लिए BHU बेस्ट है। उसके बाद इलाहाबाद बेस्ट है, यहाँ तो मैम रहने के लिए जो रूम्स होते हैं ना, जो लॉज होते हैं, PG होते हैं, अरे भाई सुनने में आता है कभी कभी कोई लड़का 1200 रुपए में एक रूम अरेंज कर लिया है। Wow. और बाकी कॉमनली यहाँ पे 2-3 हजार रुपए में रूम मिल जाता है, तो ये बेस्ट थिंग है। हॉस्टल मिल गया तो बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो बहुत ही कम पैसे में आप तैयारी कर लोगे। तो आज सर से बात करके हमको CUET और UPSC के दोनों के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई है। आपने नोटिस किया सर ने बात करते वक्त बताया कि उन्होंने अपना BA जो है वो BHU से किया है, तो आइए चलिए BHU के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, और BHU के एक स्टूडेंट से ही। तो सर BHU के बारे में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है क्योंकि मैंने जो जिया है जी, वो बड़ा मिक्सअप रहा है, मतलब बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, ये दो मोमेंट मैंने दिया। तो यूनिवर्सिटी लाइफ मेरे लिए टू पार्ट्स में है, डिवाइडेड है। okay. एक बिफोर कोविड, एक आफ्टर कोविड। एक्सपीरियंस कुछ यूं कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस जानने के बाद लोगों को कुछ खास मुनाफा नहीं होने वाला क्योंकि मैं BHU कभी आना नहीं चाहता, मतलब मेरे पास एम्स से लाइक मेरा एम था कि नहीं भाई मुझे इंजीनियर बनना है, IIT निकालना है, उधर का सपना टूटा, घर वालों ने बोला भाई तेरे लिए कुछ और भी सोच रखे हम लोग, और उन लोगों ने मेरा फॉर्म BHU में डाला। तो ये ट्रीटमेंट था मेरे माइंड में ना, घर की मुर्गी साग बराबर, मतलब BHU का कोई कदर नहीं है मेरे में, मतलब मैं वो सोचते थे कि मतलब BHU क्यों जाऊं, मतलब BHU को मैं हल्के में बहुत लेता था जी। तो लेकिन थैंक गॉड आज मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ इस यूनिवर्सिटी को लेके, मालदीव को लेके, मतलब मैं तो एकदम दंडवत प्रणाम करूं तो भी कुछ भी कर जाऊं इस देश के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए, फिर भी वो जो है उनका जो मेरे पे रहेगा ना वो आशीर्वाद, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई करी है, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, आप इसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स क्या जानना चाहोगे बेसिकली? जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या बच्चों को मिलती है? फैसिलिटीज में देखो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है यहाँ की लाइब्रेरी,
आपको प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, आपको प्रोफेसर पसंद नहीं आते हैं, आपके प्रोफेसर दुश्मनी है, आपको टीचर्स नहीं पसंद आते, कोई बात नहीं, अपन के पास लाइब्रेरी है, अपन के पास अच्छे अच्छे किताबें हैं, बुक्स है, और मैं जाकर वहां बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल जो है इस यूनिवर्सिटी का, थोड़ा हम लोग भाई काशी वाले हैं, बाबा जी से वो लगाव है, तो वो दरबार यहाँ पे है, उस दरबार के सामने लाइब्रेरी है, वो जो एक वहां का एनवायरमेंट है वो मुझे पूर्ण बनाता है, एकदम परफेक्ट बनाता है, और वो मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है। मैं आज भी वहां जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि VHU में आप काफी टाइम से हो, हाँ। तो यहाँ पे बच्चे कौन सी कोर्सेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज या फिर जो कॉमन कोर्सेज होते हैं जैसे BCom, BA, ये सब प्रेफर करते हैं? देखो, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे टॉपिक्स थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, लाइक गोइंग टू काउंसलिंग समवन, मैं किसी को गाइड करने जा रहा हूँ, तो नीड सम सीरियस पॉइंट्स कंसिडर, मतलब कुछ क्वेश्चन को, कुछ पॉइंट्स को बहुत सीरियस कंसिडर करना चाहिए हम लोग को। जैसे कि आप अपने एम को पहले देखो, आपका एम UPSC है, आप एम UPSC है और आप ऊपर से मैथ में अच्छे नहीं हो, तो आप BSc क्यों कर रहे हो जी? मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि बस जबरदस्ती अपने बैकग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं मैं साइंस से आता हूँ तो मैं साइंस में जाऊंगा। मैं, मेरा मानना है कि भाई आप ऐसा मत करो, मतलब ये मत सोचो कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आते हो और आपका एम UPSC है तो आपको BSc ही करना है। कुछ भी करो, आप BSc करो, एग्रीकल्चर करो, आप इवन BA कर लो, BVOC कर लो, आप करने से पहले अपनी जो काबिलियत है उसको जरूर जानो कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आए दिन आजकल एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, यूनिट सेमेस्टर फर्स्ट वाले, तो कुछ मुझे इंस्टा पर DM मिले हुए थे कि सर मेरा बैक लग गया, मैं क्या करूं, दैट्स व्हाई मैं ये आंसर कर रहा हूं कि वो पेनफुल हो जाता है कि आप उस कोर्स के लिए मेहनत की, आपका निकल गया, आप एडमिशन ले लिए, लेकिन अभी भी आप सैड हो, वरीड हो अपने करियर को लेके कि मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा जी। तो प्रिफरेबल और फेवरेबल कोर्सेज इस पे डिपेंड नहीं करता है कि, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी एम के ऊपर, आपका एम क्या है। जैसे अब आपको CA में जाना है तो आप कोर्स आप BCom करोगे, समझ रहे हो, अब आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, एग्रीकल्चर में कुछ बेहतर करना है, तो ऑफ कोर्स आप एग्रीकल्चर आप चूज करो, मतलब ये पहले से ही डिसाइडेड कर लो, आफ्टर 12 CUT देने से पहले आप प्रॉपर वे में मेरे से काउंसलिंग करा लो कि सर फाइनली मुझे मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैसन इसमें है तो मुझे इसमें जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीजें कंसिडर किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एम एंड चॉइसेज एंड पैसन, आपके माइंड का जो थॉट है, जो प्रोसेस है, किस में ज्यादा सुकून फील करता है उस पर डिपेंड करता है। अब किसी का लॉ में इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स उसको BA/LLB करना चाहिए, और बाकी तो भाई अपना BA जिंदाबाद है, वो तो हर किसी को शरण देता है, अगर कहीं नहीं जुगाड़ कर देगा तो BA कर लेना, क्या जाता है फिर तो ये है। हाँ, लेकिन मैम प्लीज एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला, जो आपका क्वेश्चन था ये था कि आप टेक्निकल कोर्स प्रीफर करोगे या कॉमन कोर्स। देखो यार, ये ना सोसाइटी थोड़ा डिमांडिंग है, मतलब अभी का जो करंट सिनेरियो है हमारे यहाँ, ठीक है, इस पूरे अर्थ का, पूरे एनवायरमेंट का, वो थोड़ा टेक हो चुका है जी सर। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी बोलूंगा कि प्लीज, आपको लगता है कि आप 50% 60% टेक्निकल चीजों में चॉइसेस है, गैजेट्स पसंद करते हो, तो आपको टेक्निकल कोर्सेज कर लेना चाहिए क्योंकि डिमांडिंग है, उसमें आपके जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा है। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज करते हो तो आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मतलब 30-40 हजार के जॉब के लिए आराम से आप फुलफिल हो, मतलब आप कर पाओगे, खुद भी बना पाओगे, या तो खुद से जॉब भी क्रिएट कर सकते हो, अगर ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बच्चों को ये भी जरूर सोचना चाहिए क्योंकि UPSC के सपने जो है ना, वो बस बुने जाते हैं, उसको हकीकत में करने के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत की जरूरत है, वो लाइक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने जैसा है। तो और सबको पता है कि उसमें 800-900 ही सीटें हर साल आती है, देश का हर बच्चा UPSC निकाल तो नहीं सकता है जी। मैं निकालने ज्यादा प्रिफर करता हूँ कि UPSC की तैयारी एक बार सबको करना चाहिए, खुद को बनाने के लिए जी, बेसिक नॉलेज के लिए, मतलब देश का बेसिक क्वालिटी जान के पता रहेगा ना कि आपका गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे लॉ मुझे पता है, तो इसलिए आप UPSC की तैयारी करो। तो मैं बार बार UPSC का नाम लेके UPSC ओरिएंटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको वार्न कर जरूर जरूर चाहूंगा कि प्लीज आप लोग कोर्सेज अपने एम के अकॉर्डिंग चूज करें, साथ ही साथ थोड़ा अब एनवायरमेंट बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, टेक सोसाइटी हो रही है, तो टेक्निकल कोर्सेज की तरफ भी मूव ऑन करिएगा जी। वेल सर ने बहुत ही सटीक बात कही है
कि हमें टेक्निकल कोर्सेज ज्यादा चूज करनी चाहिए। वैसे सर हम ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं और बच्चों तक भी हम टेक्निकल ही पहुंच रहे हैं, तो इस वजह से आपको टेक्निकल कोर्सेज ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। और सर से बात करने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि वो बहुत ही अच्छे काउंसलिंग सेशंस भी देते हैं, तो आई वुड प्रेफर अगर आपको कोई भी काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली सर को एक बार रेफर जरूर करें। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। सर आपने CVT के बारे में बताया था और आप एक स्टूडेंट रह चुके हो BHU के, तो उसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, ये सब जानना था बच्चों को। श्योर मैम, आप जब CUT दे लेते हो तो CUT के बाद जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये अपना एक फॉर्म निकालती हैं जिसको आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म। ये यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म CUT वाले बच्चों को ही फॉर्म भरने के लिए प्रिफर करती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि आप बिना CUT दिए इस यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म को भर सकते हो। लाइक कि आपने CUT दे लिया, एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब आपके पास मार्क्स भी आ चुके हैं, पता है कि आपका जनरल टेस्ट में इतना है, लैंग्वेज में इतना है, पर्टिकुलर डोमेन में आपका इतना मार्क्स आया होगा। आप ये पूरे मार्क्स लेके आप पर्टिकुलर आप उस यूनिवर्सिटी में लेके जाओगे, ऐसे हाथ में लेके जाओगे भाई मुझे एडमिशन दे दो, और उसका प्रोसेस क्या है कि आप मेरे एक फॉर्म फिलअप करो और वो है यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया आफ्टर CUT, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि उनके पोर्टल पे समय के अकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस, और उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब भाई मान लो कि 15 लाख बच्चे पूरा CUT दिए हैं, अब BHU के लिए 4 लाख बच्चे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि 4 लाख बच्चे DU के लिए इसमें से नहीं होंगे, इसमें से 1 लाख बच्चा हो सकता है कॉमन है जो DU में भी जाना चाहता है, उसी में से 50,000 बच्चा कॉमन है वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो यूनिवर्सिटीज जब आपका मेरिट बनाती है, जैसे आपने यहाँ पर अपना मार्क्स सबमिट कर दिया, अब बी में अपना मार्क्स सबमिट कर दिया, तो ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, कट ऑफ बनाने लगते हैं, मेरिट आपका रेडी करते हैं और सीट के अकॉर्डिंग लिस्ट पब्लिश करते हैं कि भाई फर्स्ट राउंड निकल गया है, अब देखो इस मार्क्स में कितने लोग आ रहे हैं। आपका लग रहा है कि भाई मेरा 220 था और मार्क्स देख रहा हूँ 200 है, इसका मतलब आप मेरिट में आ रहे हो, तो अब आप आ रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली पोर्टल पे यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग इनका प्रोसेस होता है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप मेरे यहाँ अगर आप इस पर्टिकुलर कट ऑफ में आते हो तो डॉक्यूमेंट लेके आप मेरे यहाँ आ जाओ। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जैसे BBAU है, कट ऑफ में आते हो तो आप उनके ऑफिस में चले जाओ। जी, इलाहाबाद भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन BHU ये कहता है या और यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने यहाँ पोर्टल पे अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोल देती हैं कि आप कट ऑफ में आ गए तो अब यहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन करो और पेमेंट जनरेट हो चुका है, आप पेमेंट कर दो और पेमेंट के साथ फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है और आप फाइनली BHU या DU या जो भी यूनिवर्सिटीज है उसके स्टूडेंट हो जाते हो। तो ये फाइनल प्रोसेस है मैम। ओके सर, जैसे आप तो सर ने जैसे अभी बताया डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में और जनरल टेस्ट के बारे में, तो हम सर से अब कॉमन सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। सर कॉमन सिलेबस क्या है CUET की? बच्चे बार बार ये क्वेश्चंस वीडियो में कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ये CUET का सिलेबस क्या है, और बड़ा सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जो 12वीं में पढ़ते हैं यही उनका सिलेबस है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं किसी बच्चे को BSc करना है और BSc में मैथ करना है, उसकी जो रिक्वायर्ड सेक्शन है वो क्या है, 3 डोमेन है, कौन कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जी, ये तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओनली एंड ओनली किससे आनी है, आपके क्लास 12th NCERT से आनी है और डिफरेंट स्टेट बोर्ड ऑफ बुक से आनी है। ओके, लाइक कि यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देंगे तो आपको 85 अटेम्प्ट करना है और ये 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो ये पूरे NCERT और डिफरेंट स्टेट के बुक्स से मिक्स करके बनाए गए क्वेश्चंस होते हैं और ये 12th लेवल की ही किताब से बनाए गए क्वेश्चंस होते हैं। ओके सर, जैसे अभी आपने बोला कि हम मतलब कॉमन सिलेबस जो है वो क्लास 12 तक के हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो क्लास 12 से नीचे हैं और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? हाँ, स्कूलिंग के लिए BHU अपना कुछ एफिलेटेड स्कूल्स रन कराती हैं, लाइक CHS है, आप संस्कृत में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय चलाए जाते हैं, यहाँ पे LKG तक के भी स्कूल चलाए जाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मेरे यहाँ बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है ना, लाइक आप उसको यूट्यूब पे टाइप करो और साथ में लिख दो नीट सर BHU पाठशाल, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वीडियो लिंक ऑन यूट्यूब चैनल, सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपको CHS बारे में जानना है तो आप CHS लिख के नीट सर BHU पाठशाला डाल दो और क्लास 9th का 6th का जिसका भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। सर जैसे कोर्सेज वगैरह भी कुछ होती होंगी ना जो अवेलेबल होती है क्लास 12 से नीचे के बच्चों के लिए, तो वो कोर्सेज क्या है?
क्लास ट्वेल्थ के बीएचयू के अंदर इस कैंपस में तो क्लास ट्वेल्थ के अंडर में आई थिंक नहीं, ट्वेल्थ के अंदर में तो नहीं है. जैसे कि अगर योगा की मैं क्लासेज बोलूं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हैं तो वो भी ट्वेल्थ लेवल पे है. लाइक आपको फॉरेन लैंग्वेज अगर करना है, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आर्ट्स फैकल्टी में रन करते हैं, जापानीज हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब, तो इसके लिए भी क्लास ट्वेल्थ का वो लोग परसेंटेज काउंट करते हैं, उसकी मेरिट निकलती है. Okay. तो ट्वेल्थ के नीचे में बीएचयू के अंदर में भी आपको एक बार योगा सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स ट्राई करना चाहिए, बाकी कोर्सेज तो आफ्टर ट्वेल्थ ही अवेलेबल है यहाँ पे. ओके, तो क्लास ट्वेल्थ के नीचे के लिए आप वो कुछ कुछ ही कोर्सेज अवेलेबल है. वैसे सर हम तो सर जैसे कि आपने सब कुछ बताया, हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है इस चीज से रिलेटेड. बस एक और क्वेश्चन है कि सर बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को बाहर भेजने में बहुत ज्यादा डरते हैं उनकी सेफ्टी को लेके, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियां कितनी सेफ है बाहर यूनिवर्सिटीज में? इसका आंसर तुम लोग दे चुके हैं ना, वो वाला क्या आंसर दिए थे फिर उसमें? वो स्टार्टिंग में पूरा नहीं था, ये तो गर्ल सेफ्टी तो आप बता रहे थे ना, तो उसमें उसमें क्या था, उसमें भी तो यही था ना कि लड़कियां, मतलब तुम बस मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे अभी तो उसमें ना सर आप एक काम करेगा, थोड़ा सा पोर्शन कट कर दीजिएगा फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं. उसमें जो लास्ट में आप वो कंटिन्यू कर रहे थे ना गर्ल्स वाला, हाँ उसमें जो आप कंटिन्यू कर रहे थे उसमें से आप थोड़ा पोर्शन कट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ये अभी वीडियो चल रही है तो वो ना आप उसमें से थोड़ा कट करके ऐसा कि जहाँ पे आप पॉज ले रहे हो वहां तक कट कर दीजिए, फिर नया क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो हाँ तो जो तुम क्वेश्चन ऐड कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन लाइक पहले वाले क्वेश्चन से काफी सिमिलर नहीं हो जा रहा है, तुमने इसी पर बात की थी तो वो तो बीच में कट हो गया ना सर, तो उसको पूरा हटा देना है क्या? नहीं फिर आप उसको हटाइएगा मत, फिर मैं नए क्वेश्चन पे चली जाती हूँ. नहीं नहीं काम करते हैं, गर्ल सर्विस सिक्योरिटी का पॉइंट पूरा फिर से शुरू कर देते हैं. वही मैं सोच रही थी क्योंकि फिर ना वो आप पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि वो बीच में आप बोल रहे थे बीच में कट हो गया था ना. मतलब कहाँ, अब क्या क्वेश्चन था स्टार्टिंग में तुम्हारा? कि लड़कियां काफी सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर उसको बाहर भेजने में डरते हैं. नहीं नहीं इसको स्टार्ट तुमने किया था साथ, कुछ गर्ल्स का पॉइंट बोल के शुरू किया था. हमारे काफी सारे व्यूअर्स गर्ल्स हैं. ठीक है आधे अभी आप शुरू करना, ठीक है रुक जाओ. ओके वन ओके सर, तो एक और क्वेश्चन था जैसे हमारे काफी सारे व्यूअर्स जो है ना वो गर्ल्स है और उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए पढ़ने के लिए, तो उससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे जैसे वो उनकी सेफ्टी को लेके काफी ज्यादा वरिड होते हैं? हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और इमोशनल भी है क्योंकि पिछले 3 सालों में कई सारे केसेस जो है वो मेरे तक पहुंचे हैं और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस पे बहुत ही ओपनली टॉक होनी चाहिए सोसाइटी में, बस मेरे ही थ्रू नहीं और भी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जो एक्सपर्ट है, इवन जो नॉर्मल कॉमन सोसाइटी के पर्सन हैं, जो टीचर्स हैं, जो मेंटर हैं, काउंसलर हैं, गाइडर हैं, इन सभी लोग को लड़कियों के इन सब मुद्दों पे जरूर बात करनी चाहिए. और जब भी मुझे स्टेज पे मौका मिलता है बोलने का कुछ, तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि ये 300-400 लड़कियां जब सेलेक्ट होके आती हैं तो अपने पीछे 3-4 हजार या कभी कभी 30-40 हजार लड़कियों को पीछे छोड़ के आती हैं जी, तो एक सिंबल है, इन्हें पढ़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जिनको अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिला है आने वाले समय में ऐसी लड़कियों को भी बाहर ला सके, घर के बाहर ला सके और वो भी बेहतर शिक्षा पा सके, अच्छा पढ़ाई कर सके. अब 2 कंडीशंस यहां पे बता रहा हूं क्या होता है कि गार्जियन 2 टाइप्स के हैं, एक तो ये सोचते हैं कि क्या करेगी वो लड़की है पढ़ के जी सर, तो उसको नहीं जाने देंगे बाहर जी. अब मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, माफी भी चाहूंगा कि आप इसको उतना इमोरल मत ले लीजिएगा, बस एक बात है, पॉइंट है, उसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बेटी तो बेटी ही है उनकी. तो एक गार्जियन ये सोचता है कि क्यों इतना पैसा उस पर खर्च करना, मतलब उसकी शादी हो जानी है वो तो चली ही जाएगी जी. दूसरा गार्जियन जो है वो ये सोचता है यार मेरी लड़की बाहर जा रही है वो सेफ है कि नहीं है वहां पे, वो बार बार मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा उसके उसको लेके ज्यादा सिक्योर है और वो सिक्योरनेस डर पैदा करती है और वो डर उनको लड़की को बाहर नहीं जाने देती है. तो ये 2 कंडीशंस होते हैं जिसमें लड़कियां बाहर नहीं आ पा रही है. तो मेरा ये मानना है सोसाइटी में क्राइम कहां नहीं है जी. आप जब ये सोचते हो कि आपकी लड़की बाहर सेफ है कि नहीं है तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारी लड़की हमारे पास में रह के भी कितना सेफ है. आजकल तो न्यूज में पता चलता है कि लड़कियां घर में भी नहीं सेफ है जी सर, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा
बहुत ही मतलब भद्दा सा लगता है कि ऐसा नहीं सुनने में मिलना चाहिए था पूरे इस आजीवन मेरे लाइफ में, लेकिन ऐसा सुनने में मिलता है। तो गार्जियन को ये माइंड में लाना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एजेंसीज हैं, पुलिस है, सिस्टम है जो काम करती है, अगर कुछ गलत होने वाला है या होता है तो उसका आप कंप्लेन कर सकते हो। ये मैं एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा हूँ जहां पे डर एकदम हाई पे पहुंच जाता है जी सर, कि उसके लिए है। जैसे कि अब एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते ही है, एक बुरा एक अच्छा। तो बुरे लोगों के लिए सिस्टम काम कर रहा है जी, वो पनिशमेंट मिलेगा उनको। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो तो क्राइम के बाद का सीन है, उसके पहले आप कैसे सेफ ये फील कराओगे कि नहीं मेरी बच्ची बाहर गई है और सेफ है, ये इम्पोर्टेंट है जी सर, क्योंकि क्राइम के बाद का तो भाई मामला ही अलग है जी। तो उसके लिए यही है कि आप जब बाहर भेजते हो तो भी अपनी बच्ची से काफी अटैच रहो, लाइक सेल फोन के थ्रू आप उसे डे में एटलीस्ट सिंगल टाइम एक टाइम बात करो, वीडियो कॉल करके एटलीस्ट उसका पता करो कि हाँ वो ठीक है, खाया पिया, हाल चाल लो उससे। तो जो इंट्रैक्शन है ना, फैमिली इंट्रैक्शन, जो फैमिली लविंग इंट्रैक्शन है, वो लड़कियों से छूटना नहीं चाहिए, आप एकदम कनेक्ट करके रखो। और लड़कियां जब बाहर आ जाती है तो वो अपनी सेफ्टी के, सिक्योरिटी के जो स्केल है वो खुद तय करें कि हम इस लोकेशन पे रहते हैं, हम इस एरिया में रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमें कब जाना है, क्या पहन के जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब कुछ महसूस। और भाई ऐसे भी बोलते हैं लड़कियां सिक्स सेंस होते हैं, तो वो समझ जाती हैं और उन्हें ये सब चीजों पे बढ़िया से अपनी सेफ्टी को लेके, खुद के बारे में सोच के, अपनी भलाई के लिए सोच के, सोच समझ के ही चीजें करनी चाहिए। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी है ना, सबसे पहले स्वयं का है जी। अगर जैसे अब अगर आपका काम 9-10 बजे तक हो जाता है, तब 9-10 बजे तक रात में अपना काम करके अपने सेफ प्लेस पे हो जाओ। अब यहाँ पे मैं ये नहीं टॉक कर रहा हूँ कि जो फेमिनिज्म है वो सपोर्टर की आप कौन होते बोलने वाले की हो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे एक सोसाइटी ये माइंड देती है ना, जब लड़कियां बाहर आती है ना, तो मैम होता क्या है कि कुछ लड़कियां एक ऐसा इन्वायरमेंट में धीरे धीरे क्रिएट कर देती है, कोई काम नहीं है फिर भी चलो बाहर घूम के आते हैं जी सर, और कितने बजे, 12 बजे, 1 बजे नाइट आउटिंग। तो भाई यहाँ पे तो खुद भी आप अपना एक माहौल खराब कर रहे हो ना, मतलब अपनी खुद सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हो, वो डैमेज कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बैल मार बूझ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जी, मतलब खुद से जाकर ना सामने खड़े हो जाओ बेटा मुझे आओ मार लो, तो ये चीजें होनी चाहिए। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी है स्वयं पहले लो। तो सर ने काफी अच्छी बात कही गर्ल सेफ्टी के ऊपर। अब हम अपने लास्ट पार्ट में चलते हैं कि बहुत बच्चे हैं सर जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत ही मतलब वो सोचते हैं कि कम से कम खर्चे में हमारा हो जाए, तो क्या खर्चा होता है अगर वो बेसिकली आप जानना चाहते हो, बेसिकली आप जानना चाहते हो कि मंथली कितना पेमेंट जी, अगर आप BHU में एडमिशन होता है तो। सर मैं कह रही थी अभी जो तो सर ने काफी अच्छी बात कही गर्ल सेफ्टी के बारे में। आप जानते हैं सर कि अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन BHU में होता है तो उसके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पे जी सर, एक एवरेज कैलकुलेशन। ओके, देखो भाई मैं बस BHU को ही नहीं, BHU इलाहाबाद को भी जोड़ लेता हूँ, दोनों भाई बहन जैसे लगते हैं मुझे। ओके ठीक है, या पिता बेटा का रिलेशन हो सकता है क्योंकि इलाहाबाद बहुत पुराना है। सो फाइनली आप अपने कोर्स की फीस को हटा के मंथली कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जी सर, क्योंकि वो तो वन टाइम पेमेंट है। तो कोर्स की फी ऑन एन एवरेज आपको पता ही होता है, ऑफिसली BA वगैरह है तो मैक्सिमम पूरे साल का 4-5 हज़ार में काम बन जाएगा, चाहे इलाहाबाद हो चाहे BHU, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, रेगुलर सीट पे आपका है तो। और बाकी खाने पीने रहने का जो खर्चा है इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं पर मंथ वाला। तो इसको ऐसे समझो, आप अगर एक रूम ले तो आपको हॉस्टल नहीं मिला है, हम लोग डेलीगेसी को देखते हैं पहले, तो जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, एक बच्चा है वो BHU के आसपास या इलाहाबाद के आसपास रूम देख रहा है, तो उसको 2-3 हज़ार में आराम से रूम मिल जाएगा। तो सपोज कि मैक्सिमम 3 मान के चल रहा हूं, जबकि 2 में मिल सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम 3 मान के चलते हैं, एक हेल्दी जिसमें सेपरेट बाथरूम और आपका एक रूम अटैच हो सकता है, थोड़ा किचन भी हो या उसी रूम में बनाना हो, तो 3 वो और बाकी 2,000 लगेंगे। या तो 2,000 का आप टिफिन लगवा लो, जो 2 टाइम आपको रख के जाएगा आपके घर पे, 2300 रुपए में टिफिन लग जाता है। ओके, तो 5300-5500 रुपए आ रहा है।
जी बाकी अब अगर लगता है कि नहीं हम हेल्दी फूडिंग करना चाहते हैं खाए बनाएंगे खाएंगे तो भी आप 2000 रुपए में अपना दाल चावल सब्जी रोटी दो टाइम का बना के खा सकते हो, 2000 रुपए में इसके सब्जी तेल मसाला आ जाएंगे ओके एक बच्चे के लिए। तो कुल मिला के 5500 रुपए में आप बाहर एक रूम लेके बना खा के रह सकते हो। अब पॉकेट मनी अलग अपना जोड़ लो कि आप कितना खर्च करते हो। वेल फिर तो ये काफी रीजनेबल है। हाँ हाँ और साथ में हॉस्टल का जोड़ना चाहूंगा। जी जी अगर आप बाहर प्राइवेट हॉस्टल लेते हो तो लड़कियों के लिए यहाँ पे मिनिमम 6000 खर्चा करना पड़ेगा। हाँ लेकिन उसमें उनको रहने खाने दोनों मिलेगा। ओके मतलब रहने खाने का उनका ये हॉस्टल का है। हाँ, और अगर उन्हें ऊपर से अगर कोई पॉकेट मनी चाहिए अपने एक्सपेंसेस के लिए तो वो अपना ऐड ऑन कर अलग है। ओके और एक और BHU में अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तब कितना खर्चा आएगा तो उसमें आपका पूरे क्लासेस पूरे साल भर चलती नहीं है, 9 महीने 8 महीने चलती है सपोज, तो वो पूरे साल की फीस लेते हैं 10000 रुपए लगभग, जिसमें आपका कुछ पैसा रिफंड भी हो जाता है बाद में। सपोज कि वो आपका 1000 रुपए महीने के हिसाब से हॉस्टल का लगा, बाकी खाने रुपए की पर थाली 100 दोनों टाइम मिला के मतलब 55 रुपए 50 रुपए अलग अलग हॉस्टल में चल रहे, तो वही मान के चलो कि उनका महीने का 3000 रुपए खाने पे आएगा और बाकी वन टाइम पेमेंट आपका हॉस्टल का 10,000 तो भारत में 36 मतलब टोटल 36,000 10,000 46,000 रुपए में इनका काम बन जाएगा। तो ये आपने पूरा कोर्स का बता दिया, ये पूरे साल का बता दिया मैंने। ओके तब तो ये काफी ज्यादा रीजनेबल है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है हॉस्टल वगैरह का, उससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा सर की बातों से कि यहाँ पे आपका ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगता। हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं। आज हमने सर से काफी सारी बातें की, हमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिले। अब थोड़ा सा बेस्ट पार्ट भी जान लेते कि BHU में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर। मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट BHU में क्या है यार, मैं BHU का वो लड़का हूँ जो हर पार्ट को जिया है पहले तो। ओके BHU में ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहां मैंने सेल्फी स्टिक लेके वीडियोज ना बनाया तो मैं तो उन कोनों को भी जाके छान मारा हूँ जिन कोनों पे कई सालों से कोई नहीं जाता होगा। तो पार्ट वाइज देखा जाए तो मैंने BHU के हर एक मोमेंट को जिया है। मैं वो लड़का हूँ जिसने NSS भी किया, NCC भी किया, यहाँ से कोर्स भी, यहाँ के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी, लैंग्वेज कोर्सेज भी, मतलब स्विमिंग तक, मतलब मैंने स्विमिंग तक करी है BHU में। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अपन को सिंपल सा ये है, मतलब देखो मेरे को ना पैसा बचाने का बड़ा शौक है, मतलब कभी कभी तो मैं ना उड़ा देता हूँ और कभी कभी मैं बड़ा मतलब बन जाता हूँ कि नहीं जाने देते, खासकर इन सब क्षेत्रों में, खासकर पढ़ाई वाले में। मतलब वैसे देखो पढ़ाई पैसा खर्च करना चाहिए लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई फ्री में करना चाहिए तो मैं जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा तो वहां पे भी लगभग साल के 1,10,000 रुपए मेरे आते थे, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू पेमेंट हो जाता मेरा तो वो पूरे 6-7 साल मेरा गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। BHU आ गया, यहाँ भी मेरे लगभग बहुत कम पैसे में मेरे काम बन गए, मतलब फ्री में समझो BHU मुझे पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा रहा भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेस्ट पार्ट पूरा BHU मेरे लिए है। हाँ उसमें कुछ ऐसे हैं जो मेरे हृदय में बस गए, जैसे यहाँ की लाइब्रेरी, मैंने YouTube पे आ गया तो उतना समय नहीं मिला मैं मेरे को कि मैं बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं इन लाइब्रेरी के घर किताबों को, लेकिन कुछ डेडिकेटेड किताबें मैंने जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ी है, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार रहा। मेरे कुछ प्रोफेसर्स मेरे बहुत अच्छे मेरे क्लोज हैं आज भी हैं, उनका एक मोमेंट मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, हेल्पिंग नेचर है वो। और कुछ डिपार्टमेंट फैकल्टी से, आर्ट्स फैकल्टी मेरा फेवरेट फैकल्टी है, वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे BHU में प्लेसेस हैं जैसे IIT मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं अक्सर वहां जाके बैठना पसंद करता हूँ। नाइट टाइमिंग आजकल थोड़ा चेंज कर दिया हूँ सेफ्टी की वजह से, तो अब मैं नहीं जाता वहां, नहीं तो मैं इन सब चीजों में बहुत इन्वॉल्व, मतलब नाइट वॉक मैं खुद लोगों को बोलता हूँ बच के करना चाहिए लेकिन मैं खुद बहुत करता हूँ मतलब मुझे मून्स के वीडियोज बनाने, मून का वीडियो बनाना, BHU कैंपस का वीडियो बनाना, फोटोग्राफी मेरा पैशन है, तो पैशन की वजह से ये सब काम और कांड कुछ कर जाने पड़ते हैं, बाकी मैं बाकी चीजें बहुत मैनेज कर लेता हूँ। तो ये है कि BHU मेरे लिए बहुत परफेक्ट है और मैं उसके हर एक पार्ट्स के लिए बहुत इंजॉयमेंट किया हूँ और करता रहता हूँ। वेल सर की बात से ये तो समझ आ गया है कि आपको अपना लाइफ BHU में पूरी तरीके से एंजॉय करनी है, पर सेफ्टी के साथ, अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। जाते जाते हम सर से बोलना चाहेंगे कि वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके जाए सर। ओके थैंक्स, कुछ लाइन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच निकिता। निकिता वो वंडरफुल गर्ल मेरे साथ है जिसको मैं बहुत सरप्राइजिंग मतलब देखता हूँ कि इसके हर मोमेंट बहुत सरप्राइजिंग लगते हैं मुझे, जैसे मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी स्पीक कर लेगी, फिर मुझे अगले मोमेंट ही रियलाइज करा देती है कि ऐसा मत सोचना बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा स्पीक कर सकती हूँ।
निकिता के अंदर वो चीजें मैंने महसूस करी है कि शी इज रियली वंडरफुल गर्ल और अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, चीजों को बहुत अच्छे से देखती है। और कहां से? बंगाल से। Yes, West Bengal. West Bengal से निकिता आती है, ना दूर से आती है, तो इसको सेफ्टी सिक्योरिटी वाला हमेशा इशू रहते हैं कुछ ना कुछ। बाकी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग निकिता, रियली आई एम सो हैप्पी विद यू। अब मैं यहाँ पे एज अ मोटिवेशन बस एक स्टोरी है बहुत छोटा सुनाऊंगा। एक मेरे को प्रोफेसर एक दिन बुलाते हैं, बोलते हैं कि नील एक बच्ची है यार, तुम्हारे यहाँ कोई काम हो तो प्लीज तुम देखो अपने स्टूडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेज में है। मैं कहा सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाला भी है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप सुनना, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। तो उस लड़की का ये था ना कि वो 3,000 रुपए होम ट्यूशन से कमाती है। अच्छा। जिसमें वो 1,500 रुपए रेंट भरती है, 500 रुपए अपने घर भेजने के लिए रखती है, और 500 रुपए में वो हल्दी मसाला और सब्जी ले आती है, और दाल चावल वो अपने घर से लेके आती है साथ गोरखपुर की है, और वो 500 रुपए पॉकेट मनी आज बचा के रखती है। मतलब समझ सकते हो निकिता ये क्या है। मतलब मैं जब सुना ना भाई, मुझे सर आप बताओ कहां है, मैं उसे खुद पीक करके ले आता हूँ। बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कंडीशन में हैं जी। तो बट उनको ना ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मतलब उनके रहम और दया की जरूरत नहीं है ना, वो हमसे बहुत मजबूत है, अपॉर्चुनिटी की और वो गेन कर लेंगे, वो बहुत मजबूत है। मतलब सोचो ना उनकी मजबूती ये है ना कि वो अभी भी अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं यार। तो ये चीजें जो है मुझे बहुत सरप्राइजिंग मेरे को लगा, वो लड़की का वो स्टोरी नहीं है, उसकी रियलिटी है, वो मैनेज कर रही है, 500 रुपए घर भी बेचती है वो। ओके तो इससे हमें ये पता चलता है लास्ट में कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच नीर सर फॉर दिस एक्सक्लूसिव एंड वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। लास्ट में मेरा एक फेवरेट लाइन है, नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, निकिता मैम आपका भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।